हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट में रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम से संबंधित 14 क्वेश्चन को लेकर के चैलेंज किया गया था और इससे संबंधित आज यानी कि 13 दिसंबर को फैसला सुना दिया गया है और इसमें जो फाइनल जजमेंट आया है वह क्या आया है वह हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम से संबंधित जो 14 क्वेश्चन को लेकर के जो याचिका दायर किया गया था यानी कि यहाँ पर जो चैलेंज किया गया था इसको लेकर के यानी कि विज्ञान शाह इसे लीड कर रहे थे, यानी कि इस सुनवाई में जो भाग लिए थे वह विज्ञान शाह लिए थे और यह आज यानी कि आज 3 बजे इसकी सुनवाई पूरी हुई है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो आपके 14 क्वेश्चन थे यानी कि 14 क्वेश्चन आपने जो चैलेंज किया था इसमें से मात्र 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, यानी कि मात्र 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो जिस पर दोबारा से पुनः विचार किया जाएगा, यानी कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा और जो सुनवाई की तारीख है उसे बढ़ा दी गई है, यानी कि अगली तारीख दे दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा और इस पर यानी कि मात्र 4 क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है क्योंकि 14 क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन पर दोबारा विचार किया जाएगा और इसमें भी यह क्लियर नहीं है कि हाँ यह इस पर क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो छात्रों के साथ देखा जाए तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो दोस्तों, यह था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही जेन्युइन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश ऑल द बेस्ट। बाय बाय।